आप लोग किस कंपनी में जा रहे हो? किस काम में? डेटा एंट्री एंड कस्टमर सर्विस, समझ गए? ड्यूटी क्या है? 9 आवर्स प्लस लंच तो होता ही है, 9 आवर्स की, 9 आवर्स है, 8 आवर्स ड्यूटी, 1 घंटे का लंच है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर हो गया? 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे का लंच, ठीक है? डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है? कोई भी डाटा अगर आप आ गया पीछे कोई भी अगर डाटा होता है, कोई भी प्रोजेक्ट चलता है तो वो डाटा हम मैनेज करते हैं, जो भी समय जिम्मेदार नहीं है, अभी भी बता दे रहा हूँ डीपली तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, रिकॉर्डिंग बस मगर है सारी इंटरव्यू से, ठीक है? ये चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग इसे लेकर के रखी जाती है, ठीक है? इंटरनल भी है उधर से भी, ये कंपनी आएगा वीडियो, पता है आपको? कंपनी में वीडियो रहेगा वहां, जब तक आप 3 साल तक 2 साल तक काम करोगे ये वीडियो कंपनी के रिकॉर्ड में रहता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सब चीज बता के भेजी जा रही है, समझा के भेजी जा रही है, कल को वहाँ बोलो हमें नहीं बताया गया या जो भी चीजें हैं तो वो नहीं चलता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब रिकॉर्ड में रहेगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, या लग रहा है कहीं कुछ गलत बोला है किसी ने या कुछ एडिटेड है, तो कन्फर्म कर लो, सेटिस्फाई हो जाओ फिर जाओ, समझे मेरी बात को? तो सैलरी किसको क्या है पता है सबको? अपनी अपनी बेसिक 1500 नहीं होती है, टोटल 1500 होती है प्लस फूड होता है, ठीक है? बेसिक कभी 1500 किसी की एक शॉट सिंगल शॉट सैलरी नहीं होती है, उसमें अलाउंसेस जुड़े होते हैं, हर चीज होता है, ठीक है? मगर आपके हाथ में 1500 मिले क्योंकि आपका एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल ये सब फ्री है, ठीक है? कोई वीजा का पैसा नहीं कटना है, वीजा भी फ्री है, ठीक है? जो सर्विस चार्ज वगैरह है वो एजेंसीज का होता है, ऑफिस का होता है, कुछ पार्ट कंपनी को जाता है, ठीक है? जब वो कन्वर्ट वगैरह करते हैं उसमें लगता है, ठीक है? समझ आया? तो आपका हाउ, मैंने क्या बोला, रहना फ्री होगा, खाना फ्री होगा, जिम फ्री मिलेगा, जिम फ्री है, करना चाहोगे तो, नहीं करना चाहोगे तो आपकी मर्जी, जो भी बैक ऑफिस की फैसिलिटीज है सारी मिलेंगी आप लोग को, ठीक है? जो मिलती है, क्लियर? वीजा अगर आप 6 महीने से पहले वहां से आते हो अपनी मर्जी से तो जो वीजा कैंसिलेशन कॉस्ट होगी आपको भरना पड़ेगा, पता है ना? आपको पता है ना कि 6 महीने का मिनिमम एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ हमारा, होता है ना 6 मंथ का, जब वीजा एक्टिव हो जाता है आपका वहां का दुबई का, उसके बाद आपका 6 मंथ का टाइम होता है, एक्टिव होने के दिन से 6 महीने के बीच अगर आप रिटर्न इंडिया आते हो तो वीजा की कॉस्ट आप भर के आओगे, जो कि लगभग इंडियन रुपीज में 1 लाख क्रॉस कर जाती है, ठीक है? क्योंकि वीजा की कॉस्ट आपसे नहीं ली जा रही है, कुछ पार्ट लेते हैं बट फुल वीजा कॉस्ट कर लेंगे, सर्विस चार्ज 2 लाख का हो जाएगा, क्योंकि 1,10,000-15,000 तो वीजा आईडी और मेडिकल इंश्योरेंस आईडी सब का हो जाएगा आपका, ठीक है? 4500 दिरहम सिर्फ वीजा का कॉस्ट होता है, ठीक है? वो जब आप 6 महीने काम करते हो तो कंपनी का रिकवर हो जाता है आपका, इसीलिए 6 महीने क्लियर बंदिन होता है, उस बीच में अगर आप आते हो तो अपना वीजा कॉस्ट पेड करके आओगे, लगभग 3 से 3,500 दिरहम वहां का, ठीक है? और कोई किसी को कंफ्यूजन? एम्प्लॉयमेंट कितने दिन रहेगा वो कंपनी कर देती है अपना प्रोसेस, उसका जो भी इसी वैलिडिटी जितनी बीच में रहेगी इसी के बीच में वो कर देते हैं, मिला है ना सारी हर चीज मेंशन है उसमें, हर चीज मेंशन है, फिर भी मैं एक बार पूछ रहा हूँ, जैसे किसी को होता है ना मिला हो या मिला हो तो कंफ्यूजन हो, बाकी ऑफर लेटर तो आप लोग को मिला होगा, एग्रीमेंट साइन किया होगा, ऑफर लेटर साइन किया होगा, हर चीज किया है आप लोगों ने ना, ऐसा कुछ हाइट नहीं है, फिर भी अगर उसके बाद भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो एक बार लास्ट बार, क्योंकि इसके बाद फिर आप कंपनी जाओगे फिर वहाँ कहोगे एजेंसी ने कुछ हमें क्लियर नहीं किया, या वहाँ पता ना जा करके कि सर हमें ऑफर लेटर दिया, हमें तो अंग्रेजी कम आती थी, वैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर में ये बोलोगे तो पैक कर देगा पहले आपको, इसमें सर कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर का दिया है सर, उसके बाद आपका कंपनी का मैटर है, आप 1 साल की छुट्टी मिलेगी, आना हुआ नहीं आना हो काम करो अपना पैसा, ठीक है? बाकी 6 महीने से पहले आओगे तो जरूर हम बीच में आएंगे तो ये हमें फाइन भरना पड़ेगा,
उसके बाद आप जब मर्जी आओ कंपनी जाने आप जानो। हाँ, 2 साल का वीजा है आपका, ठीक है। अभी कन्वर्ट जो न्यू वीजा हो रहे हैं 3 साल पे हो रहे हैं, तो हो सकता है आप लोग का 3 साल भी हो जाए, बट 3 साल का मतलब ये नहीं होता 3 साल आप आ नहीं सकते हो। आने को आप जब मर्जी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर उसमें रहना चाहोगे 3 साल तक रह सकते हो। अभी किसी किसी को प्रमोट भी करती है, लास्ट में एक लड़का गया 17 सैलरी उसका यहीं से कर दिया है, वो टैली वगैरह का नॉलेज था, अकाउंटेंट वगैरह में, तो किसी का हो सकता है हो जाए उसी, मगर वो कोई कमिटमेंट नहीं है मेरा, ठीक है। जो आपको ऑफर लेटर मिला है अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो ऑफिस पूरी तरह से जिम्मेदार है। जो आपको 1500+ खाना लिखा हुआ है, जिम फैसिलिटी या जो भी उस पर मेंशन है, उनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऑफिस की। समझ आया आपको? यार लेबर थोड़ी ओवर टाइम है, मैंने नहीं बोला किसी को ओवर टाइम, किसने बोला आपसे ओवर टाइम? अभी आए थे जब साइन किया था बोला था आपका जो चीज एग्रीमेंट पे है उसकी जिम्मेदारी हमारी, ओवर टाइम रहेगा तो बिल्कुल मिलेगा। लेबर जाती है 700-800 में, तो ऐसा तो नहीं वो 800 के लिए जाएगी, 800-16 हजार तो इंडिया भी कमा लेगी, क्यों जाएगी? तो ओवर टाइम रहता है, एक अलग वो अलग पार्ट है उसका। अगर कोई एग्रीमेंट आपको नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए हम कोई चीज ऑनलाइन और रिकॉर्ड बोलेंगे भी नहीं कि ओवर टाइम की जिम्मेदारी हमारी है। रहेगा तो मिलेगा, सीधी सी बात है। ओवर टाइम करोगे तो पैसा नहीं मिले, अगर ओवर टाइम कराती है आपके रिकॉर्ड में है कि हमने ओवर टाइम किया, प्रूफ दोगे कि हमने ओवर टाइम दिया किया, पैसा नहीं मिलता उसका, तब हम जिम्मेदार हैं। मगर तुमको ओवर टाइम दिलवाओ उसके जिम्मेदार हम नहीं है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ओवर टाइम दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ओवर टाइम करवाती है कंपनी, पैसा नहीं देती उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये क्लियर हो गया ना ओवर टाइम वाला जो कंफ्यूजन आपका था? नहीं मिलेगा हम जिम्मेदार नहीं है, मिलेगा तो पैसे की जिम्मेदार है। तुमसे कोई भी काम कंपनी कराती है उसका पेमेंट नहीं देती तो उसके लिए हम बैठे। आप कभी भिखारी गलौज मत करो, एजेंट से कोई बदतमीजी मत करो, एक बार प्यार से बताओ, वो हमें बताएंगे 4 दिन 5 दिन 10 दिन में उसको सॉर्ट आउट करेंगे, हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कंपनी रूल तो आपको पता है, वहां का देश का अपना कानून होता है लोकल, ठीक है। अगर उसमें ब्रेक करोगे, देश का मतलब जैसे कि आप ऑफिस आए हमारे, हमारे यहाँ का जो रूल है ओरिएंटेशन होना है, ये होना है, ऐसे एग्रीमेंट साइन होना है, ये तो सब इंटरनल हो गया, इस गेट के बाहर का अलग कानून है ना पुलिस का। तो वहां जा रहे हो भैया, वहां पे ड्रिंक करना मना है, कंपनी भी मना है स्पेशली ये चीज, वहां पे फीमेल स्टाफ भी है। अगर कोई चीज गवर्नमेंट रूल के खिलाफ काम करोगे, दारू पी करके हंगामा करोगे, टाइम पे मारपीट करोगे, हड़ताल करना मना है, वहाँ पे स्ट्राइक मना है, पता है ना, यूनियनबाजी करना वहाँ पे मना है। तो ऐसा कुछ अगर करोगे, इंडिया जैसा कानून नहीं कि 10 लोग बैठ करके मालिक को धमका रहे हो, डरवा रहे हो, काम नहीं करेंगे, ऐसा वहाँ करोगे अंदर हो जाओगे या डिपोर्ट हो जाओगे, दो में से एक ही चीज होती है। तोड़ फोड़ किया, किसी को नुकसान पहुंचाया, तो वहाँ के कानून बहुत टाइट है, आप सजा होगी, जेल जाओगे। अभी एक हमारे आजम होल्डिंग कंपनी में लेबर गए थे, उन्होंने कुछ हंगामा वगैरह स्ट्राइक वगैरह किया, तोड़ताड़ की, एम्बुलेंस जा रही थी उस पर पत्थर उत्थर मारा है, 11-12 महीने हो गए सजा काट रहे। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, किसी देश का कानून तोड़ोगे तो वहां का कोर्ट जो सजा देगा वो आप खुद काट के आओगे, उसमें एजेंसी ऑफिस एजेंट की बिल्कुल भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ है दिमाग में या ऐसा कुछ यहाँ खुराफात करते हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो मत जाओ, मैं सीधे मना कर रहा हूँ। वहां जा करके करोगे तो हम छुड़ा नहीं पाएंगे, ना हम उस बीच में आएंगे। वहां का कानून तुम्हें मर्डर फांसी की सजा देगा या काला पानी करेगा या तुम्हें इंडिया भेजेगा, वो उसका डिसीजन है। क्राइम करोगे आप, वो तो कंपनी भी उसमें जिम्मेदार नहीं होती। जैसे इंडिया में आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, कोई क्राइम करते हो तो पुलिस लेकर जाती, कंपनी में कोई जेल नहीं होती किसी की, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि फ्राइडे होगा, छुट्टियां होंगी, लड़कियां भी होती हैं, आईटी कंपनी है, कहीं कुछ करते हो, किसी ने केस वोस किया तो भैया आप लोग अपने हिसाब से उस चीज आप मैनेज करोगे, ठीक है। उसके लिए कल को आपके घर वाला, फैमिली वाला, एजेंसी एजेंट ऑफिस सब आता है, कोई भी कुछ भी करता है, तो बिल्कुल हमारे अभी से हाथ खड़े और रिकॉर्ड बोलो, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? सैलरी क्लियर? ओवरटाइम का जो कंफ्यूजन था क्लियर? कंपनी के बारे में जानकारी लगभग सारी यही है, क्या करती है कंपनी पता है ना, सब बता दिया था। तो आप लोग जाने को तैयार है? जाना चाहते हैं? ठीक है, ओके। आप लोग एग्रीमेंट को साइन किया है ना आप लोगों ने? किसी को जो जोर जबरदस्ती तो नहीं है? नहीं। सारी कंडीशन ओके है ना? ठीक है, ओके। हम लोग जाओ।